हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया ऑनलाइन क्लासेस फॉर बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्जाम में इनकी जो वेटेज होती है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का मार्क्स आईबीपीएस पीओ है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क है, इसके अलावा और एग्जाम होते हैं एसबीआई पीओ का और एसबीआई क्लर्क का, ठीक है। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम होते हैं, इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे पास, उनका सबका सिलेबस जो है वो बैंकिंग की तरह ही रहता है। तो इन सारे एग्जाम्स का जो प्री का पेपर होता है, प्रीलिम पेपर होता है, उनमें 5 मार्क्स का सेट बनता है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है ना। तो अगर आप प्री का पेपर देने जा रहे हो तो मान के चलो कि 5 मार्क्स का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही आएगा, ठीक। इसके अलावा अगर मेंस में देखा जाए तो क्लर्क मेंस के जो एग्जाम होते हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, तो इसमें आपको 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन का सेट भी बने, ठीक है, हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस का सेट भी बने, लेकिन 3 to 4 क्वेश्चन हमारे रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ में अगर देखा जाए तो 2018 वाला जो एग्जाम हुआ है, जो लास्ट ईयर का भी एग्जाम हुआ है, उसमें 5 क्वेश्चन थे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी ये थे, ठीक है। बस लेवल का थोड़ा आगे पीछे रहता है, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप खुद ही देख रहे हो, देखो 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम 200 to 250 क्वेश्चंस की, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी स्ट्रोक हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ सोल्व करना नहीं सीखना हमने, जल्दी कैसे सोल्व करना है वो देखना है, और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, ताकि देख के आपको पता चले कि आंसर कैसे निकालना है, ठीक। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है और इनका कंपैरिजन कैसे करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे एक चीज को, और वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन क्या होता है जी, जैसे मान लो मैं एक चीज लिखता हूं 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 9x, बस इतना ही, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, एक मैंने इक्वेशन सी लिख दी, ठीक है। हालांकि ये इक्वेशन नहीं होती, ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कि एक ऐसी वैल्यूज, कुछ ऐसी वैल्यूज का मिक्सचर होता है ये, जिनमें कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जो x है, x क्या है मेरे पास, वेरिएबल, जिनमें कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट कौन कौन से है, 5, 6, 8 और 9 जो प्रॉपर वैल्यूज होते हैं, बोला जाता है कॉन्स्टेंट, जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे 5 कभी चेंज नहीं होगा, 6 कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें x की, तो ये वेरी करेगा। अगर इसके इक्वल में मैं जैसे जैसे वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, वैसे वैसे x हमारा वेरी करता जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो मिक्स जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, ये एक्चुअल में होते क्या है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का मिक्सचर, ठीक है। अगर हम मान लो किसी लाइन में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों लिख देंगे, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, एक एक्सप्रेशन बनेगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें सीखने वाली चीज है डिग्री, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है। पहली बात तो देखो डिग्री का पता होना चाहिए आपको होता क्या है। डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री बोला जाता है हाईएस्ट पावर, डिग्री बोला जाता है हाईएस्ट पावर को, कि हाईएस्ट पावर क्या है, उस हाईएस्ट पावर को बोला जाता है डिग्री। जैसे इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 4। भाई x की पावर क्या है, हाईएस्ट किस कितनी है, 4। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है हमारे पास जी, 4 है। समझ पा रहे हो ना, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है हमारे पास, 4 है। तो हमने देखो दो चीजें सीखी है, एक तो एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। उसके बाद हमने देखा है कि डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोला जाता है जी डिग्री,
ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन क्या चीज होती है, देखो मान के चलो कि अगर मैं कोई ऐसे एक्सप्रेशन लिखता हूं कुछ इस तरीके से, 3x³ + 2x² + 5x = 6, ठीक है, इक्वल टू 6 बाद में करते हैं। मान लो अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं तो ये क्या है, मेरे पास एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री कितनी है हमारे पास 3 है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री क्या है हमारे पास 3 है, यहां तक आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको इक्वल टू 6 लिख दूं, इसको मैं लिख दूं इक्वल टू 6, तो मैंने क्या किया है कि प्रॉपर इक्वेशन बनाई है जिसकी कोई लेफ्ट हैंड साइड है और जिसकी कोई राइट हैंड साइड है, समझ पा रहे हो आप। अगर मैं सिंपल लिख दूं ऐसे तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं इक्वल टू समथिंग अगर लिखता हूं, इक्वल टू कोई वैल्यू लिखता हूं चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन के इक्वल में अगर कुछ लिख दो आप तो वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है जी, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, समझ पा रहे हो ना बात को। धीरे धीरे आएंगे लीनियर क्वाड्रेटिक पे, बेसिक समझेंगे पहले अच्छे तरीके से, ठीक है। और इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी हमारे पास, 3 होगी, क्योंकि डिग्री जो होती है वो होता है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास जी, 3, समझ पा रहे हो बात को। आपको एक्सप्रेशन पता चल गया होगा, आपको हाईएस्ट डिग्री पता चल गई होगी, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट पावर पता चल गया होगी कि डिग्री होती है, और हमें यह भी पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है, क्लियर है सभी को, ठीक। अब देखो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में दो तरह की इक्वेशंस हैं, एक तो लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन को, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसको थोड़ा समझना है आपने। देखो मान लो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं ax + by is equal to c, इसका मीनिंग क्या है थोड़ा ध्यान से समझना कि abc क्या है मेरे पास, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और x और y है मेरे पास जी वेरिएबल, x और y है मेरे पास वेरिएबल, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये टू वेरिएबल के ऊपर है, टू वेरिएबल, और आपके सिलेबस में भी जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल के ऊपर ही होगी, ठीक है ना। ऐसे भी आ सकते हैं, देखो ये भी लीनियर इक्वेशन ही होती है, मान लो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया। आपको जो सिलेबस में रहेगी, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, वो बनेंगे सीधा टू वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो हमने सीधा टू वेरिएबल वाली इक्वेशन लिख दी है, ठीक। इसमें ए बी सी रहेगा हमारा कॉन्स्टेंट और एक्स और वाई क्या रहेगा वेरिएबल, ठीक। अब एक चीज देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो ये पता करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, देखो कोई भी अगर आपने इक्वेशन का पता करना है कि उसका नाम क्या है, तो उसके लिए आपने पता क्या चेक करना होता है, उसकी डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ इक्वेशन आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन है। जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करी जाए तो x की पावर क्या है मेरे पास 1 है, और y की पावर भी क्या है मेरे पास जी 1 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 1 ही तो है, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यानी कि इसकी डिग्री भी क्या रही होगी मेरे पास 1, मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या रही होगी जी 1 रही होगी, समझ पा रहे हो ना बात को। तो डिग्री अगर इसकी 1 है तो जिसकी डिग्री 1 होती है उस 1 डिग्री वाली को ही, 1 डिग्री वाली इक्वेशन को ही बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, समझ पा रहे हो जी। लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है जिसकी डिग्री क्या होती है हमेशा 1, डिग्री 1 है तो उसको क्या होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, समझ पा रहे हो बात को। लीनियर इक्वेशन बोला जाता है 1 डिग्री को, जिसकी डिग्री क्या हो 1, हाईएस्ट पावर क्या हो जिसकी 1, क्लियर है ना ये, ठीक। सेकंड चलते हैं हम, सेकंड आएगी हमारे पास दूसरे नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां से आपको ए बी और सी मिलेंगे कॉन्स्टेंट, ए बी सी होंगे हमारे पास कॉन्स्टेंट, और मैं ये कह सकता हूं कि एक्स क्या है हमारा वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है। एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, इसका भी थोड़ा समय लेते हैं कि मान लो अगर मुझे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर मुझे इसमें यह चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की अगर मुझे डिग्री देखनी है तो इसकी डिग्री क्या है, देखो x की पावर 2 x की पावर 1, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पे x की पावर 2, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या है 2 है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसकी डिग्री आपको 2 मिले, तो 2 डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि वो कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ पा रहे हो ना। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में आपको डिफरेंस करना आ गया होगा कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास लीनियर है और कौन सी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है। पावर आपको 1 दिखे तो लीनियर इक्वेशन है, पावर आपको 2 दिखे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो डिग्री की एक प्रॉपर्टी होती है, बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, वो आपने समझना है कि डिग्री क्या कहती है, कि कोई भी इक्वेशन आपके पास अगर आती है अगर उसकी डिग्री 1 है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसमें जो वेरिएबल होंगे, उनमें जो वेरिएबल होंगे उनकी 1-1 वैल्यू आएगी, मतलब x की 1 वैल्यू रहेगी और y की भी 1 वैल्यू रहेगी, सिंगल वैल्यू डेफिनेट वैल्यू रहेगी। अगर मान लो डिग्री 1 है तो इन दोनों की क्या रहेगी, एक एक वैल्यू आएगी, x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी, समझ पा रहे हो। ऐसे ही देखो अगर हम बात करें डिग्री 2 की, तो वो क्या कहता है हमें कि अगर मान लो किसी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 आ रही है तो उसमें जो कांस्टेंट रहेगा उसकी जो वैल्यूज भी होंगी वो भी कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज आती है। किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी पावर होती है, हाईएस्ट पावर जितनी उसकी डिग्री होती है इक्वेशन की, उतनी ही वेरिएबल की क्या आती है, वैल्यूज आती हैं। तो आपने क्या याद रखना है कि भाई लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की x और y की एक एक वैल्यू आएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो दो वैल्यूज आएंगी, समझ पा रहे हो बात को। अभी मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे दो वैल्यूज आती है, ठीक है ना। तो आप बस बने रहिएगा, आप ये चीज समझते रहना साथ साथ कि ये है क्या, और इसके प्रॉपर नोट्स बना लो कि ये है क्या चीज, ठीक है। एक चीज देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इन दोनों में, दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है, इक्वेशन ही है भाई, वेरिएबल है कांस्टेंट है, वेरिएबल है कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ही हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो अगर टेक्निकली देखा जाए, जो हम मैथ में इससे पहले यूज करते आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, बराबर ही है, ठीक है। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर क्यों नहीं है ये थोड़ा समझना आप। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डिग्री क्या है मेरे पास, 2 है, ठीक है। और इस इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है हमारे पास, 1 है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है मेरे पास जी, 1 है। देखो ये मत कहना कि यहाँ पे 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर करके हम y इज इक्वल टू 100 रख लेंगे, ऐसा नहीं है, खुद नहीं करना कुछ भी, जो इक्वेशन आपको गिवन है वही देख लो ना। यहाँ पे 100 की पावर 1/2 है, अंडर रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/2 को, और यहाँ पे क्या 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, 1 है। और वैसे हम इसको तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हमने तो वेरिएबल की पावर देखनी होती है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है जी, 1 है।
तो यहां से मुझे एक चीज का पता चलता है कि देखो अगर पावर 2 है तो ये रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अगर पावर 2 है तो ये रही होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे यहां पे अगर पावर 1 है तो ये रही होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन। समझ आ गया आपको, ये रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्या रही होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ठीक। अब एक चीज देखो, अभी हमने क्या देखा था कि अगर डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती हैं। ऐसे अगर लीनियर इक्वेशन है तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 1 वैल्यू आएगी, ठीक है, 1 वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो बात को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज आएंगी और अगर लीनियर इक्वेशन है तो 1 वैल्यू आने वाली है, ये आपको पता चल गया होगा अब इसके बारे में, ठीक है। आएगी कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 वैल्यूज है, यहां पे 1 वैल्यू ही आएगी। अब देखो मान लो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, यहां पे सोल्व कर रहा हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x की जगह पे मैं क्या रखूं कि ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, x की जगह पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यूज का यूज करूं कि ये मेरी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो आप सिंपल क्या बोल दोगे, भाई 10 रख लो, क्योंकि अगर 10 देखे तो 10 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 100, 10 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 100। समझ पा रहे हो, इसके अलावा और क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे -10 पुट कर सकता हूं, ओके, देखो अगर इस 10 का स्क्वायर 100 होता है तो इस -10 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस का 100। समझ पा रहे हो बात को, तो यहां पे मेरे पास x के कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनती है जी, 2, ठीक है ना, x के कितने सॉल्यूशंस बनेंगे हमारे पास, 2 बनेंगे, एक प्लस का 10 और एक माइनस का 10। समझ पा रहे हो बात को, एक प्लस का 10 हो जाएगा और एक माइनस का 10 हो जाएगा। ऐसे ही देखो अगर मुझे यहां पे देखना है तो लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कि y is equal to under root of 100, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि बताओ मैं कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना, प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाए। तो आप खुद सोचो अंडर रूट ऑफ 100 को जब आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ 10 ही आएगा ना, प्लस का 10 ही आएगा, माइनस का 10 कभी नहीं आ सकता, अंडर रूट को सॉल्व करके कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं रहती, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे मेरे पास, सिर्फ 10। यानी कि देखो लीनियर इक्वेशन थी तो 1 वैल्यू आई है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो 2 वैल्यूज आती, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज में देखो कंफ्यूज नहीं होना, मान लो अगर मैं आपको ये भी कह दूं ना कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है तो बताओ x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x की पावर 4 इज इक्वल टू अगर मेरे पास 1 हो जाए तो बताओ x की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो बिना डरे आपने बोल देना 4, कि भाई x के टोटल मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन बन सकते हैं, और वो सॉल्यूशन कौन से होंगे, देखो दो तो आपको पता ही होगा कि एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1, है ना, माइनस 1 की पावर 4 भी 1 होता है, प्लस 1 की पावर 4 भी 4 होता है। इसके अलावा देखो दो सॉल्यूशन और बनते हैं, एक आयोटा और एक बनता है माइनस आयोटा, ठीक है। जैसे देखो मैं इसको प्रूव करवाता हूं, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, अगर किसी को ये नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो इस तरीके से आ जाए कि अंडर रूट ऑफ माइनस 1 तो उसको बोला जाता है आयोटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है ना, इमेजिनरी केस बनता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आयोटा के साथ, ठीक है। तो अगर मैं मान लो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है मेरे पास, माइनस 1, और अगर मैं फिर से स्क्वायर कर देता हूं तो आयोटा की पावर 4 क्या हो जाती है मेरे पास जी, 1। तो एक्स की जगह पे अगर मैं आयोटा को रखता हूं तो वही 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे माइनस का भी बनाना है तो मैं माइनस कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, एक बार स्क्वायर होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, दो बार स्क्वायर होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, तो ये 4 सॉल्यूशन बनेंगे एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 की, मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपने देखो ये पावर 4 तक नहीं जाना, ना ही आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो आपने सिर्फ क्या देखना है, एक तो आपने देखनी है लीनियर इक्वेशन और एक आपने देखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, कैसी कैसी इक्वेशंस होती है, कैसी उनकी डिग्री होगी, उनकी पावर क्या होगी और उसके कितने कितने सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे हम और उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें टर्म्स का पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या नाम है, ठीक है ना। जैसे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक। तो ए की बात करें तो ए क्या होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा होगा वही क्या होगा मेरे पास, ए। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, वन। समझ पा रहे हो, यहाँ पे वन ही है, ठीक। ऐसे अगर बी की बात करें तो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, फाइव। और सी की बात करें तो सी क्या है मेरे पास, सिक्स। तो जो तीन कॉन्स्टेंट है हमारे पास वो क्या है, ए है वन, बी है फाइव और सी है हमारे पास सिक्स, ठीक। और एक्स वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको निकालने का, एक्स की वैल्यूज निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लो अगर आपको ए बी सी गिवन है, तीनों वैल्यूज गिवन है, तो एक्स की वैल्यू इस तरीके से निकल सकती है, माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो एक बार प्लस लेके चलना है, एक बार माइनस लेके चलना है, तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। एक तो हो गया ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला कई बार काफी लेंथी पड़ जाता है, अगर वैल्यू थोड़ी मुश्किल आ जाए तो हमें स्क्वायर रूट भी निकालना होगा, स्क्वायर भी करना है, प्लस माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो इतना कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा सा। तो हमने किस तरीके से करना है इनको सॉल्व, किस तरीके से करना है, हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। अब देखो फैक्टराइजेशन भी हमने छोटी क्लासेस में कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन किस तरीके से होती है, कैसे होगी और किन नंबर्स की होगी, वो भी देख लो थोड़ा सा। अगर मुझे फैक्टराइजेशन करनी है इस इक्वेशन की, तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले कि मेरे पास ए और सी की वैल्यूज क्या क्या है, मेरे पास ए और सी की वैल्यूज क्या क्या है। जैसे ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, वन, और सी की क्या है जी, सिक्स है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा लूंगा, ठीक है। तो वन इंटू सिक्स करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, सिक्स, ठीक। उसके बाद सिक्स के मैंने कोई ऐसे दो फैक्टर देखने हैं, सिक्स के मैंने ऐसे कोई दो फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करके मेरे पास फाइव आ जाए। सिक्स के ऐसे कोई दो फैक्टर देखो, मतलब ए और सी के प्रोडक्ट के ऐसे कोई दो फैक्टर देखो जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए मेरे पास, बी आना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर होने वाले हैं हमारे पास जी, देखो एक तो होगा थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, और एक होगा मेरे पास टू, ठीक है। टू इंटू थ्री भी क्या होता है, सिक्स होता है। तो तीन और दो दोनों क्या है मेरे पास, सिक्स के फैक्टर है, ठीक है। और इनको ऐड करके क्या आ रहा है मेरे पास जी, फाइव। समझ पा रहे हो। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके सिक्स आ जाए और ऐड करके फाइव आ जाए, ठीक है। सिक्स के ऐसे कोई दो मल्टीपल, कोई ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके सिक्स आए और ऐड करके फाइव आ जाए, तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो जो भी मेरे पास ये फैक्टर आएंगे, हम क्या करते हैं इन फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन में कैसे पुट होंगे देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको पता चलेगा होगा क्या क्या है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो फाइव एक्स है इसको हम तोड़ देंगे इन फैक्टर्स में, ठीक है। फाइव एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे हो, फाइव एक्स को मैं टू फैक्टर्स में तोड़ दूंगा, थ्री एक्स प्लस टू एक्स में। समझ पा रहे हो बात को, ठीक। उसके बाद देखो अगर मैं यहां पे इनको पेयर में अगर डिफरेंट डिफरेंशिएट कर दूं, थोड़ा अलग अलग कर दूं, ठीक है, तोड़ दूं थोड़ा सा इनको, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, ये आ जाएगा मेरे पास x इंटू एक्स प्लस थ्री, और ये आ जाएगा टू इंटू एक्स प्लस थ्री, इस तरीके से बनेगी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस थ्री कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, और पीछे क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे हो। और यहां से देखो अगर x प्लस थ्री बराबर है जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री, और अगर यहाँ पे x प्लस टू अगर जीरो के बराबर हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस टू। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस थ्री एंड माइनस टू। सिमिलरली यही वैल्यूज आएंगी अगर आप इस फॉर्मूले में भी पुट करते हो, तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो वैल्यूज को, तब भी हमारा सेम ही आंसर आने वाला है। आप चाहो तो मैं चेक करके दिखा सकता हूँ आपको थोड़ा सा कि b की वैल्यू क्या है, देखो 5 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 4 ac,
फोर इंटू वन इंटू सिक्स कितना बनेगा 24 डिवाइड बाय 2a, ठीक है, तो क्या बनेगा माइनस फाइव प्लस माइनस ये वन आ जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जब आप प्लस वन करोगे तो माइनस फाइव प्लस वन क्या होता है माइनस फोर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और जब आप माइनस वन करोगे तो माइनस फाइव माइनस वन क्या बन जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा माइनस टू एंड माइनस थ्री। फॉर्मूले में पुट करोगे तब भी ऐसे ही आएगा, इक्वेशन से देखोगे तब भी ऐसे आएगा, लेकिन इक्वेशन भी लेंथी है और फॉर्मूला भी लेंथी है, ठीक है कि नहीं। तो हमने किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, बनानी हमने इक्वेशन ही है, लेकिन इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे थोड़ा सा माइंड में, ठीक है ना। तो किस तरीके से करना ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो तो हमने क्या करना है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमने ऐसे फैक्टर तो बनाने ही बनाने हैं, फैक्टराइजेशन तो हमने करनी ही करनी है कि हमारे पास क्या आ गया 3 और 2 आ गया, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और ऐड करके क्या आना चाहिए 5, तो 3 और 2 बना। तो हम ऐसा करेंगे इस तरीके से लिख देंगे कि भाई 3 और 2 मेरे पास दो फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि जो भी मेरे पास फैक्टर आएंगे जो भी मेरे पास रूट्स आएंगे हम क्या करेंगे उन रूट्स का साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस किया तो माइनस कर देंगे, माइनस किया तो प्लस कर देंगे। तो हम देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं, प्लस किया तो माइनस कर दिया ना, और डिवाइड करेंगे जो भी मेरे पास ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जो भी मेरा आंसर रहेगा वही मेरे रूट रहेंगे, वही मेरे फाइनल वैल्यू जाएंगी एक्स की, माइनस थ्री माइनस टू, ठीक है। मैं क्या करूंगा फैक्टर बनाऊंगा और उसके बाद साइन क्या कर देंगे चेंज, और डिवाइड बाय जो भी हमारी ए की वैल्यू होगी, समझ पा रहे हो बात को। जैसे एक सवाल और देखो, मान लो इस तरीके से आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तब तक इन इक्वेशन के आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक आप ओरली रूट्स ना निकाल सको, जब तक आप बिना बेंच लाए रूट्स ना निकाल सको तब तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 200 टू 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देखो 5 नंबर हैं फ्री के, ठीक है ना, 5 नंबर आप मिनिमम 2-3 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट्स में आप निकाल सकते हो, तो इसकी प्रैक्टिस करो बस। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 12 है, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और ऐड करके आना चाहिए 7, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और ऐड करके क्या आ जाए 7, तो हमें पता चल गया होगा कि कौन से नंबर होने वाले हैं 4 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऐड करेंगे तो 7, तो ये दो रूट बनेंगे। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, दोनों का साइन चेंज करेंगे और डिवाइड क्या कर देंगे जो भी मेरे पास ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा -4 और -3, बताओ अगर कुछ मुश्किल है तो, क्लियर है। जैसे एक सवाल और देखो, ऐसे आ सकता है कि 2x² + 9x + 9 = 0, 2x² + 9x + 9 = 0, तो देखो मल्टीप्लाई किसको कराना हमने 2 + 9 को, यानी कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 into 9 यानी कि 18 और ऐड करके क्या आना चाहिए मेरे पास 9, तो ऐड करके 9 कैसे आएगा जब मैं क्या करूंगा 6 into 3, भाई 6 × 3 भी क्या होता है 18 होता है और 6 + 3 कितना होता है 9 होता है, और यही चाहिए ना मुझे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा जब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगा, इन दोनों के क्या करेंगे हम साइन चेंज करेंगे, तो 6 और 3 के साइन चेंज होंगे तो क्या बनेगा -6 और -3, और डिवाइड किससे करोगे a की वैल्यू से, और a की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर आएगा मेरे पास -3 और -1.5, ठीक है। मतलब अगर आपने रूट निकाली, अगर आपने फैक्टर्स बना लिए तो उसके बाद साइन चेंज करना है बस, और आगे क्या लिख देना है डिवाइड बाय, समझ आ गया आप सभी को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे सॉल्व की जा सकती है, एक तो फॉर्मूले से, दूसरा इक्वेशन से, और तीसरा सिंपल फैक्टर निकालो और साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके पैरामीटर्स बन सकते हैं सॉल्यूशन के, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, अब थोड़ा सा साइन चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने प्लस प्लस के रखे थे, अब ऐसा लिख देते हैं कि मान लो x² - x - 12 = 0, x² - 12
माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, और आपसे पूछेगा कि बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, एक्स की वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, पैटर्न जो एग्जाम का होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सॉल्व करना सीख लेते हैं कि इक्वेशंस को हमने सॉल्व किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए जी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस का 12 है, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 12 और ऐड करके क्या आना चाहिए माइनस का 1, ऐड करके क्या आना चाहिए माइनस का 1। तो कौन कौन से नंबर रहे होंगे जी, माइनस 4 एंड प्लस का 3, माइनस 4 एंड प्लस 3, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। देखो ऐड करोगे तो माइनस 4 प्लस 3 कितना होता है माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 इंटू प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12, उसके बाद जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 4 एंड माइनस का 3, क्या बन जाएगा प्लस का 4 एंड माइनस का 3, समझ पा रहे हो बात को, हाँ जी, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी, क्लियर है ना ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, हमने क्या करना है आपकी बार डिवाइड बाय जो भी मेरे पास ए की वैल्यू होगी, क्योंकि देखो हम गलती पता कहाँ करते हैं यहाँ पे, कि हम ए की वैल्यूज को लिखना भूल जाते हैं, ये मत भूलना ए की वैल्यू 1 है तो फिर तो सेम सेम ही रहेगा, मोस्टली क्या होता है ए की वैल्यू 1 रहती है तो हमारी आदत बन जाती है नीचे कुछ नहीं लिखना, कोशिश करना लिखने की, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा 4 एंड माइनस 3, 4 एंड माइनस 3, समझ पा रहे हो आपको, हाँ जी क्लियर है ना ये। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग भी क्या होने वाला है, देखो अब की बार मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 20 और ऐड करके क्या चाहिए माइनस 9, तो माइनस 9 कैसे आ सकता है जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5 और माइनस 4, तो माइनस 5 इंटू माइनस 4 क्या होगा प्लस का 20 और माइनस 5 प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 9, उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 5 एंड 4, ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास 5 एंड 4, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, मान लो इस तरीके से आ जाए 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या करना, देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए a इंटू c, तो 4 इंटू 9 कितना बनेगा मेरे पास 36, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरे पास 36 और ऐड करके क्या आना चाहिए मेरे पास माइनस का 15, तो कौन से दो नंबर बनेंगे हमारे पास जी 12 एंड 3, यही बनेगी ना 12 एंड 3, समझ पा रहे हो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा प्लस का 36 और ऐड करके क्या आएगा हमारे पास माइनस 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 15, और बाद में हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे इस तरीके से और डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 3.75 या 3/4 ही रहने दो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आज ये हमारा आंसर रहेगा, एक्स के रूट्स निकल आएंगे, एक्स की प्रॉपर वैल्यूज निकल आएंगी, तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं प्लस माइनस करके हमने कर लिए हैं, एक टाइप और बचे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मान लो इस तरीके से आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ठीक है, 63 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम ध्यान से देखना कि भाई ऐड कर मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए माइनस का 63 और ऐड करके क्या आना चाहिए प्लस का 2, ठीक है, तो कौन से नंबर बन सकते हैं हमारे पास 9 माइनस 7, कौन से दो नंबर बन सकते हैं 9 एंड माइनस 7, जब आप इसको ऐड करोगे तो 9 माइनस 7 का आ जाएगा 2 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 7 का रहेगा मेरे पास 63 और माइनस का 63 रहेगा, समझ पा रहे हो ना, तो बाद में क्या करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे -9 + 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बनेगा, ऐसे कुछ करके कि अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो दोनों प्लस के रूट होंगे,
जहाँ दोनों प्लस हुए तो माइनस के रूट होंगे। तो ऐसा रट्टा मारने की देखो आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब आप 200 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। सारे टॉपिक्स बाद में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले, क्योंकि 5 नंबर फ्री के हैं, ठीक। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 5 टॉपिक्स के इक्वलेंट है ये अकेला टॉपिक छोटा सा, ठीक है। तो ये इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, इनको करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अब हम देखेंगे कि एग्जाम में आपको किस तरीके से पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चंस का। आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है कि मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट होगा आपके पास कुछ इस तरीके से कि x² + 9x + 20 = 0, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपका कुछ इस तरीके से होगा x² + 11x + 30 = 0, यहां पे y आ जाएगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछेगा, ऑप्शंस कैसे आएंगी, x is greater than y, x is less than y, x is greater or equal to y, x is less than or equal to y, x is equal to y, या फिर नो रिलेशन फाउंड। ये होता है हमारा एग्जाम में इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक कि आपको दो इक्वेशंस होंगी, एक x से शुरू होगी और एक y से शुरू होगी। हमने क्या करना है, दोनों का निकालना है कि क्या क्या रूट्स बनेंगे x के और y के, और उसके बाद हमने देखना है कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई होता है, कौन सा रहता है, कि x बड़ा है छोटा है या क्या है, ठीक है। इन पांचों के आप पहले मीनिंग समझ लो क्या होते हैं ऑप्शंस के। जैसे अगर हम बात करें x इज ग्रेटर देन y, तो ये जो साइन है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर को, ग्रेटर देन या फिर मोर देन, ठीक है। दूसरा साइन आता है मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये होता है हमारे पास लेस का साइन, लेस देन, ठीक है, लेस देन, कि x इज लेस देन y। थर्ड साइन है हमारे पास ये जो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, इसका मीनिंग होता है ग्रेटर और इक्वल, यानी कि जहां तो x बड़ा होगा y से, जहां फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट साइन आता है कुछ इस तरीके से, इसका मीनिंग होता है लेस और इक्वल, मतलब जहां तो कम होने वाला है या बराबर होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास नो रिलेशन, इक्वल का तो आपको पता ही है, नो रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, नो रिलेशन कब आता है हमारे पास, जब x ग्रेटर भी हो जाए और x लेस भी हो जाए, जब ये दोनों साइन हमारे पास रहेंगे तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, देर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कि अगर एक्स और वाई, एक्स ग्रेटर भी और लेस भी है, तो उस केस में आंसर क्या रहेगा हमारे पास, नो रिलेशन, ठीक। तो ये 5 तरह के रिलेशन होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, अब इसको देखो सोल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना, कि सोल्व किस तरीके से करना है। अगर मान लो मुझे एक्स के रूट चाहिए तो सिंपल देखो ना, 20 चाहिए मल्टीप्लाई करके, एड करके चाहिए मुझे 9, तो 5 और 4, 5 into 4 = 20, 5 + 4 = 9, और बाद में हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और डिवाइड बाय जो भी ए की वैल्यू होगी, तो डिवाइड बाय 1 आएगा, तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ऐसे अगर हम वाई की बात करें तो मल्टीप्लाई करके चाहिए 30, ऐड करके चाहिए 11, तो कौन से नंबर बनेंगे, 6 and 5, 6 into 5 = 30, और 6 और 5 क्या हो जाएगा मेरे पास 11, तो 6 और 5, और बाद में साइन चेंज होंगे जब, तो माइनस आएगा, समझ पा रहे हो बात को। उसके बाद मेन अब शुरू होगा, देखो यहां तक तो हमें आता है कि कैसे हमने रूट निकालने होते हैं, नेक्स्ट काम हमारा आएगा कि हमने इन दोनों में रिलेशन बताना है, मुझे ये बताना है कि एक्स बड़ा है छोटा है बराबर है क्या है, ठीक है। तो इसको करने के देखो बहुत से तरीके होते हैं, कई लोग लाइन ड्रॉ करवाते हैं इंटीजर लाइन से, है ना, लाइन ड्रॉ करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, फिर हम देखेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका पता क्या होता है, देखो मान के चलो एक्स की वैल्यू -5 है, ठीक है, एक एक करके कंपेयर करेंगे,
एक्स की वैल्यू अगर माइनस फाइव मान लो तो इससे क्या हो जाएगी एक्स ग्रेटर माइनस फाइव जो है वो माइनस सिक्स के से क्या होता है ग्रेटर होता है ठीक है। ऐसे ही देखो अगर इस माइनस फाइव को मैं यहां रिलेट करता हूं तो माइनस फाइव और माइनस फाइव ये क्या हो जाएगा इक्वल ठीक है। अगर मैं माइनस फाइव को इन दोनों से रिलेट करता हूं तो इसके साथ रिलेशन बनाया ग्रेटर का और इसके साथ रिलेशन क्या बना है मेरे पास इक्वल का। समझ पा रहे हो ना बात को अभी तक ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों के साथ रिलेशन कर लेंगे हम उसके बाद एक्स को मानेंगे माइनस फोर ठीक है और इस माइनस फोर का रिलेशन देखेंगे दोनों के साथ। और माइनस फोर अगर हम बात करें तो दोनों से क्या है ग्रेटर है माइनस फोर माइनस सिक्स से भी ग्रेटर होता है। अब जो रिलेशन आपको एक बार मिल गया वो दोबारा नहीं यूज करना हमने ठीक है। तो एक्स यहां भी ग्रेटर है और यहां पे भी क्या है ग्रेटर है। तो मेरे पास दो रिलेशन आए हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब भी आपको ये दो साइड मिलेंगे तो मैं कह सकता हूं कि एक्स या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा कि एक्स या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई है जो कैसे बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज इक्वल टू वाई इनका कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स इज इक्वल टू वाई इनका कॉम्बिनेशन होता है। समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारे पास कुछ थर्ड ऑप्शन। समझ पा रहे हो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है रूट निकालने आपको आते हैं बस अब कंपेयर करना है एक एक्स की पहली वैल्यू का वाई की दोनों वैल्यूज के साथ फिर एक्स की दूसरी वैल्यू का वाई की दोनों वैल्यूज के साथ ठीक है। इस तरीके से एक और सवाल देख लेते हैं हम। मान लो इस तरीके से आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाए ऐसे कि वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। आपसे पूछ लिया गया है कि बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा ठीक। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होने वाला है कि हम क्या देखेंगे एक्स और वाई में कि क्या एक्स के रूट क्या है और वाई के रूट क्या है ठीक है। तो एक्स के अगर मुझे रूट निकालने तो देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 18 ऐड करके आना चाहिए माइनस 3 तो रूट क्या बनेंगे मेरे पास जी माइनस 6 एंड प्लस का 3 मल्टीप्लाई करो माइनस 18 ऐड करके देखोगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे साइन चेंज तो ये बन जाएगा साइन चेंज करने के बाद देखो साइन चेंज करना मत भूलना साइन चेंज करना है यहाँ पे हमने ठीक है जी साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 6 और ये माइनस का 3 बन जाएगा ठीक है। उसके बाद वाई की अगर हम बात करें तो वाई का क्या आने वाला है यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यानी कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 12 और ऐड करके आना चाहिए माइनस का 1 तो कौन कौन सी वैल्यू रहेगी माइनस 4 एंड प्लस 3 ठीक है। तो जब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास देखो यह आ जाएगा माइनस का और यह आ जाएगा जी प्लस का यह आ जाएगा माइनस का और यह आ जाएगा हमारे पास प्लस का। अब हम करेंगे रिलेशन एस्टैब्लिश कि रिलेशन क्या रहता है हमारा ठीक है। तो रिलेशन देखो अगर मैं एक्स को ये मान के चलता हूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 तो ये जो एक्स है ये प्लस 4 से भी ग्रेटर है और माइनस 3 से भी ग्रेटर है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो प्लस 3 प्लस 6 है ये जो एक्स है ये वाई से बड़ा है। समझ पा रहे हो। ऐसे ही देखो अगर मैं एक्स को मान के चलो माइनस 3 तो एक्स अगर मेरे पास माइनस 3 है तो ये माइनस 4 से क्या हो रहा है जी लेस हो रहा है कि नहीं माइनस 4 से क्या हो रहा है लेस हो रहा है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा क्योंकि देखो एक्स ग्रेटर भी है और एक्स लेस भी है तो जब भी कोई चीज ग्रेटर भी हो और लेस भी हो तो उस केस में आंसर क्या रहता है हमारा नो रिलेशन आंसर क्या रहता है जी हमारा नो रिलेशन। समझ पा रहे हो बात को। इस तरीके से रिलेट करवाना है कि हमने लाइंस बना के नहीं करना इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लाइंस बनाते फिरे तो हमने क्या करना है एक एक करके रिलेट करवाएंगे क्वेश्चंस को एक एक करके हमने क्वेश्चंस को रिलेट करवाना है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 121, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ x और y में क्या रिलेशन है, वही पांच ऑप्शंस रहेंगी और आपसे रिलेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम x की बात करें तो दिख रही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, तो जहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी तो दो रूट बनेंगे, आपको पता अभी है, ठीक है ना। तो भाई दो रूट कौन से होंगे, एक तो प्लस का 11 एंड वन माइनस 11, ठीक है, फर्स्ट इज प्लस 11 एंड अनदर इज माइनस 11। ऐसे अगर y की बात करें तो यहां पे देखो y की पावर 1 है, y की पावर क्या है यहां पे 1 है, तो जब भी हमारे पास y की पावर 1 होगी तो उस केस में कौन सी इक्वेशन है जी, लीनियर इक्वेशन। y की पावर अगर 1 है तो कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 11, कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11। समझ पा रहे हो बात को, मुश्किल तो नहीं है ना अभी तक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जी, ठीक है। अब देखो अगर मैं x का प्लस का 11 अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर मैं x का माइनस 11 देखूं और y का प्लस का 11 देखूं तो यहां पे x लेस आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी लेस और इक्वल आ जाए तो रिलेशन क्या बनता है, x इज लेस देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे छोटे छोटे नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम में आएंगे थोड़े बड़े नंबर, तो उनको कैसे टैकल करना है, एक तरीका देखो, एक ट्रिक देखो, बड़ी अच्छी होगी आपके पास हो, कि मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1689259 या S7 इस तरीके से, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1689257, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा कि बताओ x और y में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि भाई हमें तो इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, बहुत बड़ा नंबर है, 7 नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं हमें आता, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखो आपसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं बोला गया है, आपसे क्या पूछा है कि बताओ बस x और y में क्या रिलेशन है, ठीक है, x और y में क्या रिलेशन है, समझ पा रहे हो ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये वाटर पानी की बोतल है और ये मेरे पास मार्कर है, आपसे बोलोगे बताओ किसकी हाइट ज्यादा है, तो इन दोनों में से किसकी हाइट ज्यादा है ये निकालने के लिए आपको इनकी हाइट का पता होना जरूरी नहीं है, देख के भी तो पता चल रहा है ना कि इस बोतल की हाइट ज्यादा है, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी है कि आप ये कहोगे कि भाई हम नहीं बता सकते किसकी हाइट ज्यादा है क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, हमने मेजर नहीं किया, हम नहीं बता सकते, ऐसा थोड़ी है कुछ। देखने में लग रहा है कि भाई बोतल की लेंथ ज्यादा है तो ये बड़ी होगी बस, ठीक है ना। सिमिलरली इस केस में अगर देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यूज दोनों की क्या है, सेम है, तो जब वैल्यू सेम होंगी तो इनका जो स्क्वायर रूट करके आंसर आएगा वो भी तो सेम सेम ही रहेगा भाई, जो स्क्वायर रूट करके आंसर आएगा वो भी तो सेम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, ये सॉल्यूशन करके जो भी आंसर आया होगा अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मान लो 10 आंसर आया, बराबर ही आएगा ना, तो 10-10 मान लो, कोई दिक्कत है। आप एक्स मान लो, आप ए बी सी कुछ भी मान लो, बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब लीनियर इक्वेशन होती है तो प्लस का 10 रहेगा, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो प्लस 10 भी आएगा और माइनस का 10 भी आएगा, दो रूट बनेंगे ना। तो उन टू रूट्स के लिए हम इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, मतलब हमने सोल्व नहीं करना, अपनी मर्जी से वैल्यूज मान लेनी है और वैल्यूज इक्वल मानना, क्योंकि इक्वल नंबर है तो इक्वल वैल्यूज, समझ पा रहे हो बात, ठीक है। अब रिलेशन जब इस्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे एक्स क्या है, ग्रेटर देन वाई, तो आंसर क्या रहेगा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, x is greater or equal to 1, समझ पा रहे हो आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे और देखो कैसे बन सकता है हमारे पास, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि भाई x is equal to 162759, ठीक है, एंड y square इज इक्वल टू 132578, आपसे पूछ ले कि बताओ x और y में क्या रिलेशन है। अब की बार नंबर अलग अलग है, पहले सेम थे अब अलग अलग है, ठीक है ना। तो करना किस तरीके से, फिर सेम तरीका होगा। अब देखो अगर ये नंबर बड़ा है 162759, अगर नंबर मेरे पास बड़ा है तो इसका जो रूट बनेगा, जो आंसर आएगा वो भी तो बड़ा ही होगा,
ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, और ये जो छोटा नंबर है इसका आंसर भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास 10 है और मान लेते हैं कि मेरे पास 9 है, कोई फर्क पड़ेगा भाई? छोटा ही है ना, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि आंसर एक्स बड़ा है या छोटा है या क्या है, ये बताना है ना। ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे ये बड़ा नंबर था उसको 10 मान लिया उसके रूट, और ये छोटा नंबर है उसके रूट मैंने क्या मान लिए, 9 मान लिए। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना ये, तो ये प्लस का 10 ही रहेगा। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक प्लस का 9 होगा और एक माइनस का 9 होगा, दोनों होंगे ना, एक प्लस का भी होगा और एक माइनस का भी होगा। समझ पा रहे हो बात को? हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज देखो जी, हमने करना कैसे इसको, अगर मैं एक्स को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक्स को यहां पे कंपेयर करता हूं तो ये भी क्या बनेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो आंसर क्या रहेगा मेरे पास, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं, नंबर्स को पता चल गया आपको, रूट्स निकालने आपको आ गए, कंपेयर करना आपको आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने कंपेयर करना है। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15627 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 18249। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ x और y में क्या रिलेशन होगा। अब की बार देखो ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर क्या बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का आंसर मान लेंगे 9 और नीचे वाले नंबर का आंसर क्या मान लेंगे, 10। ठीक है, लेकिन याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक माइनस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक क्या रहेगा मेरे पास, माइनस का 10। तो अगर मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूं यहां पे, तो देखो ये क्या बनेगा मेरे पास, x इज लेस देन y। ठीक है, और अगर यहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन y, मतलब x क्या है, लेस भी है और ग्रेटर भी है। तो जब इस तरीके से आ जाए कि x लेस भी है और ग्रेटर भी है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है जी, हमेशा नो रिलेशन। आंसर क्या होता है हमारा जी, नो रिलेशन। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको तीन क्वेश्चंस करवाए हैं इसके जैसे, एक में बराबर है, एक में ये बड़ा है और एक में वो बड़ा है दूसरा वाला, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक टाइप आपको एग्जाम में पक्का आने वाली है एक नंबर की, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि किस तरह है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये थे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आप इसके जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ऐसे आ जाएगा कुछ, ऐसे कुछ 3√5x अंडर रूट वाली वैल्यूज मतलब। ठीक है, तो अंडर रूट वाली वैल्यूज देखो एग्जाम में नहीं पूछता वो कभी भी, तो अगर आ जाए तो कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसको भी, क्योंकि अंडर रूट तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसके रूट ऐसे बनेंगे 2√5 + 1√5, तो अंडर रूट सीधा सीधा रहेगा आपके साथ ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एग्जाम में आज तक 2018 तक तो नहीं आया एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो पीओ का है चाहे वो क्लर्क का है। लेकिन अगर आपको मान लो क्वेश्चन मिलते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दूंगा, जो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, उनमें अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी है, आप प्रैक्टिस करके देखना, उसका सोल्यूशन आपको नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबसे आसान इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज नहीं आएगी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आने वाला है आपको एग्जाम में, तो आप देखो किस तरीके से हम करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे बस, क्योंकि इसका मेथड सबका सेम रहने वाला है। ठीक, जैसे मान लो इस तरीके से आ जाए हमारे पास कि 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6 एंड 3x + 2y = 9, इस तरीके से आ जाएगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन रहेगी कुछ इस तरीके से और सेकंड इक्वेशन रहेगी कुछ इस तरीके से, 2x + 3y = 6 एंड 3x + 2y = 9। बहुत रेयर चांसेस है एग्जाम में आने के इसके, क्योंकि आसान होती है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ x और y में क्या रिलेशन होगा, वही पांच रिलेशन ऑप्शंस में आपको दिख जाएंगे।
तो देखो इसको हम मानेंगे इक्वेशन वन, इसको हम मानेंगे इक्वेशन टू, ठीक है, दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मानेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो दो वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को बराबर करके कैंसिल आउट कर देंगे, दो में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसको क्या बराबर करता हूं, तो बराबर कैसे होगा, ये इंटू थ्री एंड इंटू टू, और माइनस का साइन लगा दो साथ में। तो अगर मैं इसको इंटू थ्री इंटू टू करता हूं तो ये सिक्स सिक्स हो जाएगा और ये क्या जाएगा हमारे पास कैंसिल, ठीक है। ये इंटू थ्री होगा तो नाइन बन जाएगा, ये इंटू टू होगा तो फोर बन जाएगा, तो नाइन बाय माइनस फोर बाय कितना हो जाएगा मेरे पास फाइव बाय, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर थ्री से इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एटीन बनेगा, टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा एटीन बनेगा, तो एटीन माइनस एटीन कितना हो जाएगा जीरो, समझ पा रहे हो। तो यहां से मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आने वाली है जीरो, ठीक है। तो अगर वाई की वैल्यू मैं जीरो रखता हूं तो इसको अगर मैं जीरो पुट करूं यहां पे इस इक्वेशन में, टू एक्स प्लस थ्री इंटू जीरो इज इक्वल टू सिक्स, अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास थ्री, तो एक्स आ जाएगा मेरे पास थ्री और वाई क्या आ जाएगा मेरे पास जीरो, तो आंसर क्या रहेगा मेरे पास एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है ना। तो मेन चीज आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो एक एक आंसर आया होगा इसका, दो आंसर कभी नहीं आएंगे, एक एक आपका आंसर आया होगा। तो इसी तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, हालांकि आज से दो तीन साल तक देखा, लास्ट अगर देखा जाए तो 2016, 2017 और 2018, इन तीन सालों में लीनियर इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया किसी भी एग्जाम में। उससे पहले एक क्वेश्चन आता था, एक या दो क्वेश्चन आते थे, अब उनका जो ज्यादा फोकस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एक तो रूट्स बनाने में गलती कर सकते हैं हम, और दूसरा कंपेयर करने में गलती हो सकती है। यहाँ पे देखो ना ही रूट बनाने में गलती होगी ना ही कंपेयर करने में, क्योंकि एक एक वैल्यू आएगी और कोई भी बता सकता है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है, इसमें कोई कंसेप्ट भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपका जो मेन कंसेप्ट होना, मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। लीनियर इक्वेशन आपको बस सोल्व करनी आनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये थी हमारे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।